सतीदा हेलो, आपका पास छोटा सा इंस्ट्रूमेंट ना माउथ था, तो प्ले करके देखिए आए ना सुनाए। सो ये है माउथ हार्प, इसको हम नेपाली में मोचुंगा बोलते हैं, मोचुंगा। ओके, सो ये हमारा काफ़ी पुराना इंस्ट्रूमेंट है। सो पहले ये बनता था वो बांस का। अच्छा अच्छा, बांस का बनता था, और उसके बाद व्हेन लोगों को पता चला, आई थिंक आयरन वगैरह पता चलने के बाद वो लोग आयरन का, अभी आयरन का बनाता है। सो दिस इज वन डिफरेंट शेप, ऐसा होता है। ये कवर है बैम्बू, मेड ऑफ बैम्बू, इसके अंदर ये जाता है। सो इट्स अ केस, जैसे गिटार का केस होता है ना। अच्छा, उसी की तरह ये अंदर गया, इट्स सेफ। सो वी लॉक इट, खोल दिया, इसे छोड़ दिया तो ये बाहर निकल जाता है, और ये रस्सी यहीं पर रहता है। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड, डिफरेंट दूसरा भी होता है, एक बैम्बू का होता है और एक धातु हला मिला के बन आयरन का भी होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द टाइप, और अभी मैं बजा के सुनाता। इसका ये धातु क्या, कौन सा है ये? शायद वो होगा ब्रास, कॉपर की ब्रास। सो कैंस को नहीं, यहाँ से ऐसे करके प्ले होता है, और ये बीच का जो है ना, ये वाइब्रेट होके ये साउंड निकालता है। ओके, तो अभी मैं आपको साउंड छोटा सा मुंह में ऐसे लगाते हैं, और यू हैव टू मेक हॉलो एंड टंग से ये आगे पीछे, और ब्रीदिंग से इसका साउंड वगैरह कंट्रोल करके। ठीक है, सो लेट्स प्ले इट ब्रो। इसको फिर ऐसे बजा के सो ये हमारे पुराने नेपाली गाना वाना अगर आप लोगों ने देखा है होगा, तो उसमें बजाया इसको, लाइक एंड वी द टीम ऑफ विलेज कैंपिंग दार्जिलिंग, यू नो, वी स्टिल प्ले इट टू कीप आवर हिस्ट्री अलाइव। और हम जब भी म्यूजिकल पोएट्री करते हैं, हमारी विशन जब ये वो अपना कविता प्रस्तुत करता है किसके आगे, और हम लोग गिटार, और मैं गिटार बजाता हूँ और ये माउथ हार्प बजाता हूँ। सो इट रियली साउंड्स वंडरफुल। दैट्स नॉट ओनली हमारी, दैट्स वो म्यूजिकल पोएट्री। म्यूजिकल पोएट्री। सो यही है मेरे पास, दूसरा भी है, आई हैव 5 or 6 डिफरेंट काइंड ऑफ माउथ हार्प। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा दूसरा टाइप का। ओके, थैंक यू बिशन फॉर letting me show this our traditional instrument, okay. Mochunga. Thank you bro to play that.